हेलो 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 साउंड सही है हेलो गुड इवनिंग विद्यार्थी जितने विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें तो जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास कीजिएगा आज हम लोगों को सीआई का तीसरी क्लास है पिछले बार आप लोगों ने सीआई में पढ़ा था कि जब टाइम आप लोगों को फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे है ना आज हम लोग पढ़ेंगे जब टाइम भी फ्रैक्शन में रहे और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फ्रैक्शन में रहे तब हमें क्या करना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फ्रैक्शन में रहे तब हमें क्या करना चाहिए चलिए ध्यान दीजिए तो चलिए जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास कीजिएगा आज का क्लास मॉर्निंग वाला नहीं चला था चला था भाई जी आप कहीं गड़बड़ होंगे चलिए सबको 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 मेरा शुभ आशीर्वाद सबको नमस्कार भाई जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करिए कन्हैया जी आपकी भी बातें मैं करूंगा सबसे पहले अब इधर ध्यान दीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा आज मैं पढ़ने जा रहा हूं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में रहे जैसे पहले क्वेश्चन आप लोग का देखिए दिया हुआ आर आर बी जे का दो का आया हुआ क्वेश्चन है देखेंगे कैसे बनाएंगे समझने की तैयारी कीजिएगा एक धनराशि पर साधारण ब्याज की निश्चित दर से आठ वर्षों में हंड्रेड परसेंट की वृद्धि तो आठ वर्षों में हंड्रेड परसेंट की वृद्धि अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया विद्यार्थी जी साढ़े बारह परसेंट आठ वर्ष में हंड्रेड परसेंट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा साढ़े बारह प्रतिशत वार्षिक सालाना जिसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट साढ़े बारह परसेंट पर ईयर पर हो गया कैसे भाई तो 100 की वृद्धि मतलब आठ साल में सौ परसेंट एक साल में सौ अब ध्यान दीजिए समान दर पर आठ हजार रुपया दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए विद्यार्थी जी रेशियो की तरीके यहाँ अप्लाई कीजिएगा जब कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में दिया रहे तो रेशियो की तरीके अप्लाई करिएगा मूलधन और मिशधन का रेशियो मूलधन और मिशधन का रेशियो तो साढ़े बारह परसेंट का मतलब होता है एक साढे बारह परसेंट हल करेंगे विद्यार्थी जी एक वटा एक वटा का मतलब मूलधन आठ तो ब्याज एक यानी मिशधन नौ मूलधन आठ तो ब्याज एक यानीधन नौ एक वर्ष के लिए हुआ जबकि आपको चाहिए दो वर्ष का तो दो वर्ष का मतलब विद्यार्थी जी मन ही मन सोचिए स्क्वायर कर लें तो चौसठ से इक्सी हो गया अर्थात सी आई हो गया विद्यार्थी जी सत्रह रुपये चौसठ रखे थे जो इक्यासी मिल गया अर्थात सियाई सत्रह मूलधन दिया हुआ आठ हजार रुपया मूलधन दिया है आठ हजार रुपया तो मूलधन का तुलना मूलधन से मुझे ब्याज निकालनी है सत्रह से गुना कमाल की चीजें कलम रोकिए पहले आठी अठी चौसठ आठ से तीन जीरो पच्चीस बार में अब जब भी गुना करिएगा विद्यार्थी जी तो अंतिम में ध्यान दीजिएगा पच्चीस होगा या तो पचहत्तर होगा पच्चीस होगा या पचहत्तर होगा अब पच्चीस होगा या पचहत्तर तो मैं आप लोगों को बातें करने के लिए सिखाता हूं चार से इसमें भाग दीजिए अगर शेषफल फल एक है तो पच्चीस अगर तीन है तो पचहत्तर तो चार से यहाँ भाग दीजिएगा शेष फल एक, एक का मतलब पचहत्तर पच्चीस एक का मतलब पच्चीस अर्थात ये दोनों की कहानी खत्म अब आप लोग देखिएगा आंसर होना क्या चाहिए समझते हैं और सीखते हैं सीखिएगा ध्यान दीजिएगा केयर कीजिएगा सीखने की तैयारी कीजिएगा विद्यार्थी जी एक सौ और आठ ले लेते हैं तो एक हजार होता है तो आठ से ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी ध्यान जी समझने की तैयारी कीजिएगा सौ पच्चीस या चलिए आपको गुना करने के भी तरीके सिखाते हैं चेक करने की तो केयर कीजिएगा समझने की तैयारी कीजिए कि हम लोगों को सी और डी में फैसला कैसे करें सी होगा या डी होगा तो सी या डी का मतलब विद्यार्थी जी अंतिम तीन अंक तो 125 के विभाजता का नियम है जिसका अंतिम तीन अंक एक से कट जाए यहां अंतिम तीन अंक एक से कटने वाला नहीं है अर्थात आपका आंसर सी होगा आपका आंसर सी होगा फिर से समझने की तैयारी कीजिएगा कैलकुलेशन हमेशा सीखते रहिएगा तभी मजा आएगा 125 के मल्टीपल में कौन है 125 के विभाज्यता का नियम होता लास्ट थ्री डिजिट लास्ट थ्री डिजिट तो लास्ट थ्री डिजिट देखिए 125 से नहीं कट रहा है लास्ट थ्री डिजिट 125 से नहीं कट रहा है लास्ट थ्री डिजिट 125 से नहीं कट रहा है अर्थात आपका आंसर होगा भाई सी आशा करते हैं आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा सर पैनल पीडीएफ नहीं मिलता है शुभम अगर जुड़े हुए हैं तो इनका जवाब आप दीजिए भाई पैनल पीडीएफ नहीं दे रहे हैं तो जो गच है वो पूरा कीजिए अभी क्या भी पैनल पीडीएफ भेजिए साढ़े बारह परसेंट की दर से दो वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करिए समान वार्षिक दर पर समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है तो साढ़े बारह परसेंट का मतलब विद्यार्थी जी मूलधन और मिशधन का रेशियो सीखे साढ़े बारह परसेंट का मतलब अभी सीखे थे एक वटा आठ यानी मूलधन आठ तो ब्याज एक यानी एक वर्ष के लिए तो दो वर्ष के लिए अस्पार कर लीजिए अर्थात तो जरा सीखिएगा मूलधन हो गया चौसठ मिश्रधन हो गया एकासी एस आई हो गया सॉरी सी आई हो गया विद्यार्थी जी सत्रह रुपए अब एस आई की बात मैं आपसे कर रहा हूं कि एस आई कितना होना चाहिए तो साढ़े बारह परसेंट का मतलब एक वटा आठ तो मूलधन का एक वटा आठ इसका एक वटा आठ यानी आठ रुपया एक साल का था दो साल का सोलह सोलह समझ में आ गया होगा विद्यार्थी जी साढ़े बारह परसेंट का मतलब एक वटा आठ होता है तो मूलधन का एक वटा आठ सिंपल इंटरेस्ट हमेशा मूलधन पे ही लिया जाता है तो साढ़े बारह परसेंट का मतलब एक वट आठ तो चौसठ का एक वट आठ आठ होता है एक साल में आठ तो दो साल में सोलह अब आपको मजा आने वाला है पांच सौ दस सी आई दिया हुआ है यहां सी आई हो गया सत्रह निकालना एस आई सोलह सतर्थ यावन सोलती अड़तालीस चार सौ अस्सी मजा आया या नहीं आया अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में हो तो रेशियो के सिवा और कोई दिमाग मत लगाइएगा भाई नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा फिर साढ़े बारह परसेंट है पता नहीं आर विद दो बारह परसेंट पे सारा क्वेश्चन लेके गया है चलिए एक बार और देखते हैं तो आप लोग डायरेक्ट बोल दिए मूलधन और मिशधन का रेशियो दो वर्ष में हो गया चौसठ से हो गया एकासी हो गया सत्रह और एस आई हो गया सोलह अब आपके अनुसार पैतालीस रुपया दिया हुआ अंतर यहां अंतर हो गया एक का अंतर का तुलना अंतर से मूलधन ज्ञात करनी है चौसठ से गुना अब हल करके आंसर दे दीजिएगा सीखिएगा पांच और दो मिल रहा है इसका मतलब एक जीरो पच्चीस और चार मिलता तो दो जीरो तो पांच और दो का मतलब एक जीरो अर्थात इन दोनों की कहानी खत्म सही है भाई ये नौ से कट रहा अर्थात तो वही आंसर होगा जो नौ से कटेगा तो चार, चार आठ दो दस नौ से कटने वाला नहीं अर्थात आपका आंसर ए चलिए राजेश जी बहुत अच्छा आपको मेरे तरफ से धन्यवाद भाई दिल से आशीर्वाद राज जी बुक लेना है बुक आपको बिहार शरीफ ऑफिस में मिलेगा चलिए सौरभ जी आपको भी दिल से धन्यवाद लेकिन डेली जुड़िएगा तब मजा आएगा आप लोग आराम की स्थिति में चले जाते हैं देखिएगा एन टी पी सी दो हजार इक्कीस का क्वेश्चन आया हुआ है ए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट साढ़े बारह की बात क्या मैंने अपनी मर्जी से एक क्वेश्चन नहीं लिखता हूं आपकी एग्जाम का सारा क्वेश्चन करा रहा हूं कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो परीक्षा में हम इधर उधर ज्यादा नहीं चलना चाहते हमारा काम होता है कि आपको रिजल्ट देना तो साढ़े बारह परसेंट का मतलब एक वटा आठ यानी मूलधन आठ तो मिशधन नौ यानी दो वर्ष में हो गया चौसठ अनुपात अर्थात सीआई हो गया सत्रह अब आप लोग को सीआई दिया हुआ अड़सठ सौ अड़सठ सौ का तुलना विद्यार्थी जी सत्रह से मूलधन निकालनी है सौ से गुना सत्रह चौ अड़सठ चार पर चार जीरो आप जल्दी से देख लीजिए किस राशि पर दो वर्ष के लिए इतना परसेंट की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अड़सठ सौ रुपया होगा सत्रह चौ अड़सठ चार पर चार जीरो आंसर में कहीं गड़बड़ी है टाइपिंग मिस्टेक है भाई आपके आंसर में कोई दिक्कत नहीं चार पर चार जीरो होगा नेक्स्ट सीखिएगा ये दिया हुआ एनटीपीसी २०२१ का ही आया हुआ क्वेश्चन है बहुत अच्छी क्वेश्चन है मजा आएगा देखिएगा यदि एक निश्चित राशि सवा छह परसेंट वार्षिक दर से प्रति वर्ष की वार्षिक दर से तीन वर्ष के लिए संयोजित किया गया तीन वर्ष के बाद दिया हुआ है तो तीन वर्ष का मिशधन का मतलब ध्यान दीजिएगा सवा छह परसेंट का मतलब विद्यार्थी जी एक वा सोलह सवा छह परसेंट का मतलब एक वटा सोलह एक वटा सोलह का मतलब मूलधन सोलह तो मिशधन सत्रह बुलधन सोलह तो मिशन सत्रह वो भी तीन साल की बात है तो पावर तीन कर देंगे तीन साल की बात है तो पावर तीन कर देंगे तो समान राशि पर समान अवधि के लिए समान ब्याज दर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए अब ध्यान दीजिएगा साधारण ब्याज ज्ञात करनी है केयर कीजिएगा समझने की तैयारी सावा छह परसेंट का मतलब एक वटा सोलह इसका एक वटा सोलह निकालिएगा विद्यार्थी जी तो सोलह से कट जाएगा सोलह का स्क्वायर दो सो छप्पन तीन अवधि का तो दो सो छप्पन गुने तीन मामला मिश्र दिया हुआ है उनचास तेरह यहां मिशधन देखिएगा सत्रह का क्यू मुझे सत्रह का क्यू करने में टाइम लग गया इसलिए ऐसा लिख दिया निकालना साधारण व्याय दो सो छप्पन गुने तीन दो सो छप्पन गुने तीन मामला समझिएगा ना तो ये दो को काटने वाला है ना तो तीन को काटने वाला है अर्थात वही आंसर होगा जो इतना के मल्टीपल में होगा यानी सात सौ सात अड़सठ के मल्टीपल में एक ही गो अर्थात आपका आंसर सी आप खुद देख सकते हैं काट के देखिए कट जाएगा सत्रह दुनिया चौतीस वाकि पंद्रह सत्रह अठी से सतर पन्ना से सत्रह से सत्रह बार में सत्रह से सत्रह कैंसिल देखिएगा आ गया कि नहीं सात सौ अड़सठ डर जाइएगा तो नहीं बनेगा नहीं डरिएगा बनेगा चलिए शुभम भाई मैसेज कर रहे हो बातें सही है लेकिन एक विद्यार्थी बोल रहे हैं कि पैनल पीडीएफ नहीं मिल रहा है उसको भी पूरा कीजिए अरे यार मैंने गलती कर दिया था क्वेश्चन नंबर चार में माफ करेंगे मैंने यहाँ सौ से गुना कर दिया था माफ कीजिएगा भाई मूलधन निकालना बहुत अच्छे एक विद्यार्थी लिख रहे हैं माफ करेंगे मूलधन निकालना है मुझे चौसठ से गुना करना है तो चौसठ गुने चार विद्यार्थी जी दो सौ छप्पन पर डबल जीरो माफ कीजिएगा सौ मैंने देखा ही नहीं दो सौ छप्पन पर डबल जीरो माफ कीजिएगा नेक्स्ट केयर कीजिएगा आगे साढ़े सात परसेंट है विद्यार्थी जी सीखने की तैयारी कीजिए तीस हजार रुपए की राशि साढ़े सात प्रतिशत प्रति वर्ष की चक्रवृत्ति पर निवेश की जाती है तो दूसरे वर्ष के अंत में यानी दो वर्ष के बाद यानी दो वर्ष का मिश्रधन तो जल्दी से सीखिए मूलधन और मिश्रधन का रेशियो साढ़े सात परसेंट का मतलब विद्यार्थी जी पंद्रह परसेंट 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 हटाएंगे था से तीन से से भाग बार में चालीस यानी मूलधन चालीस तो ब्याज तीनधन तैतालीस अब साढ़े सत्रह सात परसेंट को पंद्रह वटा दो तो बोल सकते हैं ना भाई अब प्रतिशत हटाएंगे था था तो सौ से भाग पड़ेगा ही अब तीन चालीस का मतलब मूलधन चालीस तो ब्याज तीन यानी धन तैतालीस ये एक साल का हुआ लेकिन आपको चाहिए दो वर्ष के अंत में अर्थात स्क्वायर अब कलम रोक लीजिए तीस हजार मूलधन दिया हुआ है यहां मूलधन हो जाएगा चालीस का स्क्वायर सोलह पर विद्यार्थी जी दो जीरो मुझे निकालना मिश्र यानी तैतालीस का स्क्वायर कुछ मत करिए कैलकुलेशन जहां आपको दिक्कत होता हम पे छोड़िए आंसर हम देने आए आप नहीं आप केवल सीखने की तैयारी कीजिए से दो जीरो तो कट जाएगा चार से चार बार में चार से पचहत्तर बार में सीखिए अब ध्यान दीजिएगा जब दो से भाग दीजिएगा तो एक अंक के बाद दशमलव चार से भाग दीजिएगा तो दो अंक के बाद दशमलव तो यहां चार से भाग देना है इसलिए दो अंक के बाद दशमलव होना चाहिए अर्थात इन दोनों का खाता बंद अब यही दोनों में कोई होगा अब इन दोनों में कौन होगा वो समझिएगा देखिएगा सात पांच बारह का विद्यार्थी जी तीन से कट रहा अर्थात तो वही आंसर होगा जो तीन से कटेगा तो सीखते तीन से कट गया छो तीन से कट गया पांच चार नौ कट गया आठ सात पंद्रह कट गया ये पांच तीन से कटने वाला नहीं यानी आंसर नहीं होगा यहां तीन कट गया छो कट गया छो कट गया आठ चार बारह भी तीन से कट गया सात पांच बारह भी कट गया था तो आपका आंसर डी होगा मामला कहीं से भी उलट के देखिए आपका एसएससी का बैच नहीं चलता है प्रतीक पटेल जी तो टेक्निशियन का नंबर होगा भाई जी उस पर कॉल कीजिए एक भी दिन क्लास मिस मत कीजिए टेक्निशियन पे कॉल कीजिए क्यों नहीं चलेगा भाई तो आशा करते आपको आसानी समझ में आ गया होगा बिना इसे हल किए हुए कहिएगा तो मैं इसे भी हल कर दूंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपको दिक्कत ना हो इसके लिए मैंने कहा आप लोगों को कि हल मत कीजिए आंसर को सिलेक्ट कीजिए कि कौन सा आंसर होना चाहिए नेक्स्ट, फिर देखिए साढ़े सात परसेंट साढ़े देखिएगा एस एस सी जी डी में आया हुआ क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिए साढ़े सात परसेंट बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट साढ़े सात नहीं रहता है विद्यार्थी जी सब रहता आने लगा है साढ़े सात परसेंट का मतलब तीन वटा चालीस यानी मूलधन 40 तो ब्याज तीन यानी मिशधन तैतालीस एक वर्ष के लिए हुआ दो वर्ष के लिए विद्यार्थी जी स्क्वायर करेंगे कैलकुलेशन मत करिए हम पे छोड़िए चौसठ सो मूलधन दिया हुआ है यहां मूलधन हो जाएगा सोलह सो मुझे मिशधन निकालना रहता तब तैतालीस का स्क्वायर करते मुझे ब्याज निकालना है यानी मिशधन माइनस मूलधन यानी तैतालीस का स्क्वायर माइनस चालीस का स्क्वायर कलम रोक के रखिए सीखिए हम पे छोड़िए हम पे बातें कीजिए पूरे चार बार में कट रहा है है ना भाई अर्थात वही आंसर होगा जो चार से कटेगा चलिए इसका खाता बंद हो गया बाकी सब चार से कट रहा अब सीखिएगा और समझिएगा अंतिम दो अंक आपको सिखाते हैं अंतिम दो अंक इसका अंतिम दो अंक हो जाएगा जीरो नौ तैतालीस का स्क्वायर विद्यार्थी जी ध्यान दीजिए सात कम है सात का स्क्वायर उनचास आ जाएगा उनचास में से डबल जीरो गया अर्थात अंतिम में उनचास आ जाएगा लास्ट टू डिजिट आपको सर खाए होंगे पचास से कितना कम है सात सात का स्क्वायर उनचास में से डबल जीरो उन्चास तो चार सौ सोलह के छः बाकी एक चार चार सर्व छत्तीस के छह बाकी तीन चार सौ सोलह तीन उन्नीस यानी नाइनटी सिक्स होगा और नाइनटी सिक्स का मामला किस में है विद्यार्थी जी बी में भाई कमेंट तो करते रहो कम से कम यार रुक जाते हो मजा नहीं आता है मजा आया तो कुछ तो लिखो कि सर वाह मजा आया नहीं मजा आया तो बोलो नहीं मजा आया आपको कितना अच्छा कैलकुलेशन से बचा लिए क्या आपको इसको हल भी नहीं करने दिया और आंसर भी मार दिए तब बोलिएगा सर आपने कैसे सोचा तो सबसे पहले तो मैंने कहा भाई इतनी चे कट गया ऊपर चार आ गया अर्थात तो वही आंसर आएगा जो चार के मल्टीपल में जाएगा तो चार के मल्टीपल में छियासठ नहीं है इसलिए कहानी खत्म बाकी इन सबों में अंतिम दो अंक में अंतर है पहला सबका सेम है इसलिए इकाई अंक नहीं खोजना है दहाई अंक खोजना है तो अंतिम दो अंक खोजने की तरीका सीखिएगा पचास के आसपास या सौ के आसपास स्क्वायर होता है तो देखना पड़ता है सौ से कितना कम या ज्यादा या पचास से कितना कम या जा रहा तो पचास से सात कम है यानी सात उनचास माइनस डबल जीरो अर्थात ही उनचास हो गया और उनचास को चार से गुना करिए चार नंबर छत्तीस के छह बाकी तीन चार सौ सोलह तीन उन्नीस यानी नाइनटी सिक्स अर्थात आपका आंसर बी क्स्ट एक्स रुपये पर साढ़े आठ परसेंट वार्षिक दर से दो वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर मजा आने वाली सारी क्वेश्चन है सिज्जल प्री का आया हुआ क्वेश्चन है अब सीखिएगा और समझिएगा साढ़े आठ परसेंट का मतलब विद्यार्थी जी सत्रह वटा दो सत्रह वटा दो परसेंट हटाएंगे दो जीरो अर्थात आप लोग को मूलधन अगर दो सो तो मिशन दूसो सत्रह दो दू वर्ष की बात है स्क्वायर कर लीजिए अब सीखिएगा मूलधन आपका हो गया दो दुनी चार पर चार जीरो हो गया 217 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर दो सौ नवासी के नवासी बाकी दो सत्रह ज्यादा है सत्रह का चार गुना अड़सठ बाकी दो सत्तर यानी चार सत्तर अर्थात आपका सी हो गया विद्यार्थी जी सेवन जीरो एट नाइन जबकि एस की बात करिए सीखिएगा और समझिएगा सत्रह वटा दो सौ एक वर्ष में तो दो वर्ष में हो जाएगा सत्रह वटा सौ सत्रह वटा सौ करिएगा तो दो जीरो से दो जीरो यानी सत्रह सौ अड़सठ सौ अब दोनों में अंतर दिया हुआ है अट्ठाईस रुपया नब्बे पैसा यहां अंतर जल्दी देखिए टू एट नाइन निकालना है मुझे मूलधान यानी चार पर चार जीरो दशमलव के लिए दो जीरो खत्म दूसो नवासी से दो सौ नवासी खत्म यानी चार पर एक दो तीन जीरो अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी ए नेक्स्ट सीखिएगा तीन वटा चालीस साढ़े सात परसेंट को तोड़िएगा पंद्रह वटा दो सौ यानी तीन वटा चालीस यानी मूलधन चालीस तो मिश्रधन हो जाएगा तैतालीस एक वर्ष यानी दो वर्ष का मतलब स्क्वायर यानी हो जाएगा सोलह सो हो जाएगा सात का मैं ससते में सत्य उन्चास पचीस में सात घटा देंगे अठारह उनचास आगे सीआई की बात कीजिएगा तो हो जाएगा जल्दी बोलिए दूसो उनचास की बात करिएगा तो सीखिएगा एक साल में तीन बटा चालीस यानी दो साल में तीन बटा बीस तब बीस से भाग दीजिएगा तो अस्सी गुने तीन यानी दो सौ चालीस अंतर दिया हुआ है पैतालीस का या अंतर है नौ का अंतर का तुलना अंतर से मूलधन निकालनी है सोलह सौ से गुना नौ पचे पैंतालीस सोलह पचे अस्सी अर्थात आंसर विद्यार्थी जी आठ हजार चलिए एक वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट तीन वटा चालीस तो दो वर्ष में हो जाएगा विद्यार्थी जी तीन बीस मूलधन का तीन वटा बीस इसका तीन बीस करिए बीस से दिया अस्सी और तीन से गुना करिएगा दूसौ चालीस आप कोई बंदे बोल रहे हैं दूसरे तरीके से दूसरा तरीका भी मेरे पास है ध्यान दीजिएगा पैतालीस अंतर दिया हुआ है तो दो वर्ष का अंतर होता है स्क्वायर करके सौ से भाग तो पंद्रह वटा दो का स्क्वायर हो जाएगा सौ पच्चीस वटा चार पर डबल जीरो अंतर का तुलना अंतर से मूलधन निकालने है सौ से होना पैतालीस से पांच बार में पांच से आठ बार में अवश्य ऊपर चल जाएगा देखिए आंसर आठ हजार आ गया होगा तो दो वर्ष के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आर स्क्वायर वाई हंड्रेड परसेंट आर स्क्वायर वाई हंड्रेड परसेंट दो वर्ष का अंतर कहलाता ही आर स्क्वायर वाई हंड्रेड परसेंट चलिए सुमन जी आपको भी दिल से धन्यवाद भाई नेक्स्ट दो वर्ष के सी आई एस आई का अंतर देखिए दिया हुआ चलिए अभी के तरीके से अठारह अंतर है यहाँ दो वर्ष का अंतर हो जाएगा विद्यार्थी जी बरबर है चौवाल से अंतर का तुलना अंतर से मूलधन निकालनी है सौ से गुना अब हल कर लीजिए सीखिएगा दशमलव हटेगा दो जीरो ऊपर अठारह से आठ बार में आठ से तीन जीरो एक सौ पच्चीस बार में एक जीरो बच जाएगा यानी आंसर बारह सौ पचास देखिए कितना आसानी से जा रहा है नेक्स्ट सीखिएगा ध्यान दीजिएगा चार हजार रुपए का प्रति वर्ष पांच परसेंट की दर से दिया जाता है और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो दो हजार रुपये को प्रति वर्ष चालीस परसेंट की दर पर से एक वर्ष के लेते मासिक संयोजित के आधार पर दिया जाता है तो प्राप्त कुल ब्याज निकटतम बताइए बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है सीखिएगा पहला दो चीजें हैं पहला ध्यान दीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है पांच परसेंट वार्षिक पांच परसेंट वार्षिक है लेकिन अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है तो पांच परसेंट वार्षिक का मतलब एक साल में पांच परसेंट तो आधा साल में अढ़ाई परसेंट होगा अढ़ाई परसेंट होगा विद्यार्थी जी अढ़ाई प्रतिशत छमाही बोलिएगा छमाही क्यों लिख रहे हैं क्योंकि छे छे माह पर संयोजित हो रहा है एक वर्ष के लिए तो एक वर्ष में दो छमाही होते हैं एक वर्ष में कितने छमाही भाई दो छमाही तो जल्दी से देखिए मूलधन और मिशधन का रेशियो और हाई परसेंट का मतलब जल्दी बोलिएगा एक वटा चालीस और हाई परसेंट का मतलब ध्यान दीजिए पांच परसेंट का मतलब एक वटा बीस तो हाई परसेंट का मतलब एक वटा चालीस यानी चालीस तो इकतालीस एक, एक साल में तो दो दो अवधि का मतलब स्क्वायर अब आप लोग को मूलधन दिया हुआ है रुक जाइएगा एक ही बार में सिखाए अब दूसरा राशि दूसरी राशि आ जाइए सेकेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है चालीस परसेंट एक साल में चालीस परसेंट तो तिमाही का मतलब विद्यार्थी जी साल में चार तिमाही होते हैं यानी चार से भाग यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दस परसेंट ब्याज की दर समय जो है विद्यार्थी जी एक वर्ष एक वर्ष का मतलब चार तिमाही एक वर्ष का मतलब विद्यार्थी जी चार तिमाही दर में दस से चार से क्यों भाग दिए समय में चार से गुना क्यों किए इस बात पे बातें करते हैं सीखिएगा मैंने आप लोगों से कहा कि साल में कितने तीन माह होते हैं तो बोलिएगा चार तीन माह होते हैं चार चार गो तो चार का मतलब चार बार जुटेगा है ना और तीन माह का मतलब एक वटा चार वर्ष तो एक साल में चालीस परसेंट एक वटा चार साल में दस परसेंट सीखिएगा तो मूलधन और मिश्रधन सीखिए दस परसेंट का मतलब सौ से एक सौ दस यानी दस अनुपात चार अवधि का मतलब पावर चार अब केयर करिएगा मूलधन यहां हो जाएगा पावर चार है विद्यार्थी मूलधन हो जाएगा चार जीरो यहां एक सौ इक्कीस का स्क्वायर इक्कीस का स्क्वायर चार सौ इकतालीस इकतालीस हाथ में चार एक आए दून बयालीस छियालीस यानी एक सौ छियालीस अब सीखते हैं समझते हैं यहाँ मूलधन चार हजार दिया हुआ था तो मूलधन का तुलना विद्यार्थी जी चालीस के स्क्वायर से मुझे ब्याज निकालना है सोलह सौ से हो गया विद्यार्थी जी नौ काम नौनामा एकासी यानी सोलह सो इक्यासी दूसो इक्यासी रुपया चलिए ध्यान दीजिएगा मूलधन का तुलना मूलधन से ब्याज निकालना ब्याज से गुना मूलधन का तुलना मूलधन से ब्याज निकालना ब्याज से गुना जोड़े तो पचास पैसा बीस पैसा सत्तर पैसा एक ही गो में है ये तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि दर आप लोगों को ध्यान दीजिएगा भिन्न में रहा तब भी बन जाएगा लेकिन अब बातें कि दर भी भिन्न में समय भी भिन्न में रहेगा दर भी भिन्न में समय भी भिन्न भी में तब क्या करें? एक को और देख लीजिएगा पहले तो उसके बाद बढ़ते सोलह पूर्णांग दो बटा तीन प्रतिशत वार्षिक मता एक बटा छ यानी मूलधन 6 तो ब्याज एक यानी मिश्रधन 7, सात तीन वर्ष का मतलब पावर तीन अब छे का क्यू दो सौ सोलह सात का क्यू तीन सौ तैतालीस यानी ब्याज हो जाएगा जल्दी देखिएगा तीन सौ तैतालीस में दो सौ सोलह घटाइएगा एक सौ सताइस जबकि सिंपल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा विद्यार्थी जी एक वर्ष में एक बटा छ है इस समय दिया है पांच या पंद्रह दो सत्रह बटा तीन यानि ब्याज मिल जाएगा सत्रह बटा अठारह का तीस का सत्रहवट अठारह तो मनी मन जिनके पास दिक्कत होती है सीआईओसी के दो सो सोलह का सत्रहवट अठारह अठारह का अठारह तीन अठारह दूनी छत्तीस सत्रह दूनी चौतीस के चार हाथ में तीन सत्रह तीन बीस यानी दूसो चार चक्रविर्दि व्या दिया हुआ तिरसठ सो पचास चक्रविर्दि व्याय का तुलना चक्रवृद्धि व्यास से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 204 सौ चार सीखिएगा मेरे ख्याल से पूरे पांच बार में कट रहे है। एक जीरो पांच सौ बीस दो दू पांच दून दस यानी दस हजार दो सो अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी भी अब बताइए कैसे पढ़िएगा पंद्रह मिनट भी नहीं रुक पाते हैं आते हैं जुटते हैं मालूम पड़ता है वह छुएंगे और सीआई खत्म हो जाएगा ऐसा पढ़ाई नहीं होता है पढ़ने के लिए आपको जुटे रहना पड़ेगा आपकी संख्या घटती है तो मुझे लगता है चलो अब लगता है पढ़ने वाले नहीं हैं तो चलिए अगर आप लोगों को हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है लग रहा है कि मैंने अलग किसी तरह से बताया है औरों के लिए किससे अलग बताया है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और जो वीडियो को बाद में देखते हैं वो अपनी कमेंट लिखना मत छोड़े अच्छा लगे तो अच्छा लिखेंगे खराब लिखे तो खराब भी लिखना जरूरी है जैसा आपको अनुभव हुआ है उस तरह की चीजें लिखा करें तो आज के लिए यहीं तक विद्यार्थी जी कल मैं आप लोग को लेकर आऊंगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फ्रैक्शन में रहेगा और समय भी फ्रैक्शन में रहेगा पहला दिन आपने पढ़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूर्णांक में था इंटीजर के रूप में था पूरे पूरे था और समय भी पूरे पूरे था दूसरे दिन पढ़े कि टाइम जो है आप लोग का फ्रैक्शन में था आज आपने देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में है अगली क्लास लेकर चलेंगे कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फ्रैक्शन में रहेगा और टाइम भी फ्रैक्शन में रहेगा तब क्या करेंगे तो आज के लिए यहीं तक लेकिन ध्यान दीजिएगा पढ़ना चाहते हैं तो रेगुलर पढ़िएगा तब तो मजा आएगा जुड़ते हैं तो जुड़े रहिएगा तब तो मजा आएगा पांच मिनट के लिए जुड़िएगा फिर चले जाइएगा फिर आइएगा फिर जाइएगा तो छूने से कुछ नहीं होगा भाई चलिए तो आज के लिए यहीं तक और पैनल पीडीएफ सुबह अगर सुन रहे होंगे तो इन लोगों का पैनल पीडीएफ जरूर डाल दिया करें और ध्यान दीजिएगा वीडियो एक सप्ताह के बाद इसको डिलीट कर दिया कीजिए जिससे पढ़ने वाले एक्टिव होंगे अन्यथा नहीं पढ़ने वाले रहेंगे तो आज के लिए यही तक विद्यार्थी जी ऑल द बेस्ट टेक केयर गुड नाइट हंसते रहे हमेशा खुश रहें